सरकार की नीतियों से परेशान होकर राज्य गांव ने बहुत बड़ा कदम उठाया। अगर स्कूल में अध्यापक ही नहीं होंगे तो फिर स्कूल कैसा है, ये कहना है महम क्षेत्र के बैंसी गांव के ग्रामीणों का। आज सुबह बैंसी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार जो नौनिहालों का भविष्य खराब करने पर तुली हुई है और इस स्कूल की 5 पोस्ट मैथ, इंग्लिश, बायो, संस्कृत, ज्योग्राफी पोस्ट कैप्च कर ली है। अब बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। जो सरकार अपनी ओछी नीतियों पर चल रही है, उन नीतियों की हम सब बैंसी गांव के ग्रामीण निंदा करते हैं। पहली बात तो है, सरकार नए अध्यापकों की भर्ती ही नहीं करती और जो अध्यापक पहले लगे हुए हैं उनको भी घर बैठा रही है। अगर स्कूल की बिल्डिंग की बात की जाए तो वो काफी जर्जर हालत में है। इस मामले के बारे में कई बारे में निवर्तमान के विधायक बलराज कुंडू, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा और रोहतक जिला उपायुक्त को जानकारी संज्ञान में दी गई, लेकिन आज तक इस मामले में प्रशासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ, ये 5 पोस्टें स्कूल में ख़त्म कर दी, उनकी जगह अगर पोस्टें भेजते हैं तो ठीक है, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कौन सब्जेक्टों को पढ़ाने वाले, ये तो जब तक सरकार के हाथ में है वो क्या करती है। अगर सरकार मानती है तो फिर तो जल्दी हो जाएगा, नहीं मानती तो ये तो लंबे समय तक हो सकता है। ओपन कर रहे ऐसा जी, हमारे स्कूल की 5 पोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं। इसके साथ ही हमारे गांव की जो कन्या स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय, उसकी भी 5 पोस्ट पोंड कर दी गई हैं। हमारा गांव पूरा बैंसी आज खड़ा है, स्कूल का ताला लगा दिया गया है और हम चाहते हैं कि इस पोस्ट को यही रोक दिया जाए, ना कि हमारे मास्टर यहाँ से बदली होकर वापस, बदली होती है तो दूसरे मास्टर की जगह आने चाहिए। और रही दूसरी बात सरकार की, सरकार हमारे समाज के बच्चों को के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि हमारे समाज को चाहती नहीं कि ये बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएं, ताकि हमारे बच्चे आगे जाएंगे कि मैं कामयाब हो जाएं। सरकार पहले ही खुद गेटी घोटना चाहती है हमारे बच्चों का, तो इससे अच्छा हमने अपने आप ताला लगा दिया गया है, ताकि दूसरे के हाथ से हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, ताकि हम अपने आप ही बच्चों का भविष्य खराब करके, ताकि हमारे मन को ये तो हो जाएगा भाई सरकार जो चाह रही हो हम आप खुद कर लेंगे। सरकार से अनुरोध है हमारी बात को संज्ञान में लेते हुए बच्चे के लिए, बच्चों के स्कूल में टीचर और बच्चों के, हमारे सरकारी स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल, कम से कम 350 बच्चे की स्ट्रेंथ है, ना कि ताकि कम, ठीक। और हमारे स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, इसके लिए भी 2 बार बोली लगा चुकी है, ना बोली के लिए कोई कराया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग भी बने और स्टाफ भी अच्छे तरह से आए। ताला जब तक सरकार नहीं चाहती जब तक नहीं खुलेगा, सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में खुल जाएगा, ना तो महीने भी लग जाएंगे। संजय कुमार नाम है जी मेरा, गांव बैसी का है जी। सर, स्कूल का ताला जड़ने का मुख्य उद्देश्य तो एक के रहा है जी, सरकार जो बच्चों का भविष्य का खराब ना करे, क्योंकि सरकार एजुकेशन ही रहेगा तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे गाँव के स्कूल की 5 जो पोस्ट थी, मैथ, इंग्लिश, बायो, ज्योग्राफी और संस्कृत, ये 500 पोस्ट जो ना कैप्चर कर ली गई, इसके द्वारा ना तो बच्चों का जब गणित और मैथ नहीं पढ़ पाऊँगे या हिंदी नहीं पढ़ पाऊँगे, इंग्लिश नहीं पढ़ना, तो स्कूल किस लिए। ये ताला हमने इसलिए जड़ा कि ये सीटें यूँ क्यों रहनी चाहिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ भी ये आवाज़ है कि जो सरकार नीतियाँ चला रही हैं भाई, सरकार जो टीचरों की भर्ती नहीं कर रही, जो भर्ती किए हैं उनको कैप्चर कर रही है, ये सरकार के खिलाफ एक लोगों का आह्वान है। सरकार ने जो आज मेरे गांव के लोगों ने जो इकट्ठे होकर यहाँ ताला लगाया है, इसका यही कि इसकी 500 पोस्टियों क्यों रहनी चाहिए। और इस मामले में जो मेरे गांव के स्कूल की बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी है, इसके लिए हम माननीय विधायक बलराज कुंडू जी से मिले हैं, उनका भी मामला संज्ञान में रहा है, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागना जी से मिले हैं, शमशेर खरकड़ा जी से मिले हैं, यहाँ तक कि DC तक के मामला संज्ञान में है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसकी 2 बोलियाँ हो चुकी हैं, इसकी जो बिल्डिंग है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और इसकी 2 बोलियाँ चाहिए, तीसरी बोली अभी तक नहीं। हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार अपने फैसले अडिग देती है तो गांव वाले भी अपने फैसले अडिग लेंगे, और जब तक ये ताला नहीं खुलेगा जब तक ये 500 सीटें ये नहीं रोक दी जाए, और बच्चे के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं हम भी सरकार साथ खिलवाड़ करेंगे। अभी स्कूल में सर टीचर मैथ का नहीं है, जो टीचर हैं उनके पास जो है ये पीरियड ज़्यादा हैं, एक टीचर के पास 10-10 पीरियड हैं, जबकि स्कूल में 8 ही पीरियड लगते हैं, जो 2 पीरियड बचते हैं वो कौन लगाएगा।
इस मामले में बात चल रही है, अधिकारी से बात हुई, सुबह बीओ साहब से मेरी बात हुई थी, एक बार फ़ोन उठाने के बाद दोबारा उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। कितनी बार ट्राई करी आपने? मैंने कम से कम भी 5-6 बार अलग अलग नंबरों से ट्राई की है। कितने बच्चे होंगे स्कूल के अंदर? करीबन 350 के पास तो बॉयज़ स्कूल में है और 350 से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल में हमारे बच्चे। गर्ल्स स्कूल में भी सर यही मामला है, गर्ल्स स्कूल के भी 5 पोस्टें कैप कर ली गई। हम सरकार से चाहते हैं कि पोस्ट यूँ क्यों रखें, अगर कोई ट्रांसफ़र की इनकी कोई पॉलिसी है वो करें, लेकिन इनके अवज में टीचरों को वापस स्कूल में भेजा जाए। सर अभी तो ये गांव बैंसी से ही आगाज़ हुआ है, और हरियाणा में काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेंथ कम है, वो सरकार देखे, लेकिन जिस गांव में स्ट्रेंथ अच्छी है बच्चों की, वहाँ तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। और 1972 से हमारा स्कूल 10वीं तक का काफ़ी पुराना स्कूल है। ठीक जी, मेरा नाम नरेश कुमार पांचाला, मैं गांव बैंसी का रहने वाला हूँ। आज का मुद्दा ये है कि मेरा गांव का जो ये स्कूल है इसकी 5 पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं और बच्चों का भविष्य बहुत ही अंधेरे में आ गया है, और ये गुंगी बहरी सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है किसी प्रकार की भी। जब तक इस सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक ये ताला नहीं खुलेगा, ये पूरे गांव का हमारा एक ही मुद्दा है। ताला लगाने से पहले किसी अधिकारी से बात की? बहुत अधिकारियों से बात हो चुकी लेकिन कोई ही सुनवाई नहीं हुई, और बिल्डिंग के बारे में भी हम कम से कम भी 10 बार जा चुके हैं। बिल्डिंगें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि कभी भी गिर सकती है, कभी भी बच्चे इसके नीचे दब सकते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अफसर सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी ऐसे ही ये चलता रहेगा विरोध इस सरकार के खिलाफ, और इस स्कूल के लिए ये गांव एक साथ है और एक साथ ही रहेगा बच्चों के भविष्य के लिए।